Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine and doing good. Today we are going to start our lesson number 12 from unit number 11, sound. In this lesson we will cover the following contents: characteristics of sound, subtopics, pitch, loudness and quality. First of all, here we see pitch. पिच डिस्टिंग्विश फ्रिल साउंड फ्रॉम ग्रेव साउंड. पिच क्या होती है? किसी भी दो साउंड्स के दरमियान डिफरेंस बताती है. श्रिल यानी जो बहुत चीखली आवाज होती है, बहुत बारीक, और ग्रेव जो मोटी आवाज होती है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस बताती है, दैट इज कॉल्ड पिच. द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेल्स रीचिंग द ईयर. किस पे डिपेंड करती है? उस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है, किस साउंड वेव्स की जो हमारे कानों तक पहुंचती है. हाई पिच नोट हैज अ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो अ शॉर्ट वेवलेंथ. ठीक है, हाई पिच जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, वेवलेंथ शॉर्ट होती है. एंड लो पिच नोट हैज अ लो फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्ग वेवलेंथ. जो लो पिच होती है यानी जिसकी आवाज श्रिल होती है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है लेकिन वेवलेंथ उसकी ज्यादा होती है. तो पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. पिच होती क्या है? ये ऐसी क्वालिटी जो डिफरेंशिएट करती है श्रिल और ग्रेव साउंड्स के दरमियान. ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिविटी है स्पोर्ट अ बाइसाइकिल ऑन इट स्टैंड एंड रोटेट इट अ रियर व्हील. Hold a piece of cardboard in your hand with its free and touch the spokes of the rotating wheel. The sound will be produced as you increase the speed of rotation. The spokes touching per unit time to the cardboard will increase, which will increase the frequency. As a result, sound produced will become a shrill. ठीक है, ये आपके पास साइकिल है, इसको स्टैंड पे खड़ा किया, इसको रोटेट किया, ठीक है, जितना रोटेट करेंगे उसके साथ एक कार्डबोर्ड रखा, यू कैन सी हियर, ठीक है. अब वो कार्डबोर्ड की आवाज इतनी ज्यादा होगी जितनी स्पीड से वो टायर घूमेगा, ठीक है. तो वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम्प्लीटेड इन, ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन होती है. ऑसिलेशन क्या होती है? एक कम्प्लीट जो वेव साइकिल होता है, ठीक है, उसको ऑसिलेशन कहते हैं. और जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जितनी तेजी से वो मूव करेगा टायर, उतनी ही ज्यादा श्रिल आवाज होगी उस कार्डबोर्ड की, ठीक है, यानी हाई पिच होगी. अगर पिच हाई है तो फ्रीक्वेंसी आवाज श्रिल होती है, अगर पिच लो है तो आवाज ग्रेव होगी. गॉट इट? अब हम देखते हैं लाउडनेस डिपेंड ऑन द फैक्टर्स. लाउडनेस, लाउडनेस बेसिकली होती क्या है? लाउडनेस मीन्स हमें एक आवाज कितनी ऊंची सुनाई दे सकती है, ठीक है. द ग्रेटर द साउंड एनर्जी द लाउडर इज साउंड. जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही आवाज हमें ऊंची सुनाई देगी. द लाउडनेस डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड. किस चीज पे डिपेंड करती है? साउंड के एम्पलीट्यूड पे. एम्पलीट्यूड क्या होती है? यानी उसकी जितनी हाइट होती है, ठीक है. लाउडनेस डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. देखते हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है. किसी भी जो आवाज की लाउडनेस होती है वो बेसिकली तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. वो देखते हैं कौन कौन से. लाउडनेस डिपेंड अपॉन ऑन द फैक्टर्स. नंबर वन, द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. ठीक है, जो बॉडी वाइब्रेट होती है उसका एरिया कितना है, पहले किस चीज पे डिपेंड करती है? एरिया पे. दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड. जहां पे आवाज प्रोड्यूस हो रही है उससे डिस्टेंस पे, ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है. नंबर थ्री, मटेरियल थ्रू विच साउंड इज ट्रेवलिंग. वो मीडियम या वो मटेरियल जिससे वो साउंड ट्रेवल करती है उस पे डिपेंड करती है. तो तीन चीजों पे ये डिपेंड करती है किसी भी आवाज की, ठीक है, साउंड की लाउडनेस. अब देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, व्हाट इट मीन. लार्जर द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, लार्जर विल बी एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड प्रोड्यूस. जितना एरिया बड़ा होगा आवाज इतनी ही ज्यादा होगी. यू कैन सी टू ड्रम्स, ठीक है. अब जिस ड्रम का एरिया ज्यादा बड़ा है उस ड्रम की आवाज बहुत ऊंची होगी.
तो किस पे डिपेंड करता है? नंबर वन एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे, कि उसका एरिया कितना है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, यानी जहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है उससे कितनी डिस्टेंस पे, द फार्थर अवे द स्मॉलर द एम्पलीट्यूड, जितनी दूर बॉडी होगी आवाज का एम्पलीट्यूड यानी आवाज इतनी ही कम सुनाई देगी। लेट्स अगर ये बस स्टॉप है, ठीक है, यहाँ पे जो गाड़ी का हॉर्न है वो ज्यादा होगा कम्पेयर टू, अब अगर बॉय ये जो भी आप देख सकते हैं एक पर्सन है वो यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कम सुनाई देगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस आप देखते हो अगर बहुत दूर चला जाता है तो हॉर्न की आवाज जो है वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो किस पे डिपेंड करता है? ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन आ रही है, अगर हम स्टेशन पे है, ठीक है, वहां पे उसकी आवाज ज्यादा होगी, अब आफ्टर सम टाइम आपको उसकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती, तो इट्स मीन ये साउंड जो है वो किस पे, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही कम होगी। थर्ड हमारे पास है मटेरियल थ्रू विच साउंड इज ट्रेवलिंग, उस पर मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हमारे पास मटेरियल एयर है, वाटर है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल सच एज वाटर एंड एयर, ठीक है, अब साउंड जो है वाटर में डिफरेंट होगी, एयर में डिफरेंट होगी, अब वाटर में साउंड जो है वो ज्यादा तेज सुनाई देती है, ठीक है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे इसकी आवाज इसको ज्यादा तेजी से, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर एक ठीक है मोटर बोट है, मोटर बोट की आवाज जो है वो अंडर वाटर ज्यादा तेज सुनाई देती कंपेयर टू एयर, तो डिफरेंट मटेरियल में साउंड डिफरेंट सुनाई देती है, साउंड की लाउडनेस जो है वो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होती है, गॉट इट। तो थर्ड ये पॉइंट था कि ये किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे जिस पे वो ट्रेवल करती है, गॉट इट। अब हमारे पास है इसके नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी, क्वालिटी किसी भी किसे कहते हैं, किसी भी चीज की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक ही तरह की दो आवाजें हैं उनके दरमियान जो हम डिफरेंस पता चलता है तो कैसे, उसकी क्वालिटी से, ठीक है, तो वो यू कैन सी हियर, यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क है, यहाँ पे फ्लूट है, ठीक है, वॉइस है, वायलिन है, ये चार डिफरेंट चीजें हैं, इनकी आप देख सकते हैं वेव्स। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, फ्लूट की या हम गिटार की बात करें, तो दोनों की तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन दोनों की हमें आवाज में डिफरेंस पता चल जाता है। व्हाई इज इट हैपन? क्योंकि ये उसकी क्वालिटी है, ठीक है, हर वॉइस की अपनी क्वालिटी होती है, उसकी क्वालिटी से हमें पता चलता है कि ये किस चीज की आवाज है। अगर एक ही घर में, ठीक है, दो बंदे बोल रहे हैं, इवन दोनों बहन भाई हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता चलेगा कि कौन सी बहन की आवाज है, कौन सी भाई की आवाज है, ठीक है, तो ये क्या है, उसकी क्वालिटी है। आइए समझ, तो बेसिकली क्वालिटी क्या होती है, किसी भी साउंड्स के दरमियान जो डिस्टिंग्विश करती है, ठीक है, जैसे अगर ट्यूनिंग फोर्क की आवाज या फ्लूट दोनों को मैं डिफरेंशिएट, यू कैन सी हियर कि इनकी हमारे पास शेप भी, वेव की जो शेप होती है वो भी टोटली डिफरेंट होती है, लेकिन वो एक अलग फिनोमेना है, उसको हम ऐसे नहीं, लेकिन जनरली हम जो क्वालिटी हमें कैसे पता चलती है, उनकी वॉइस से, ठीक है, कि अगर गिटार की और फ्लूट की दोनों की आवाजें डिफरेंट हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली किससे पता चलता है, उस जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी हमें क्वालिटी से पता चलता है कि ये किस चीज की आवाज है। अगर एक डॉग, ठीक है, डॉग बॉक कर रहा है, ये एक कैट की वॉइस है, तो दोनों में हमें पता चलेगा ये डॉग की है, ये कैट की है, क्यों? उनकी क्वालिटी से, गॉट इट, उनकी पिच से, उनकी क्वालिटी से हमें पता चला ये किसकी आवाज है। होपफुली इट इज क्लियर। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, डिस्क्राइब टर्म लाउडनेस पिच एंड क्वालिटी, एक्सप्लेन ईच बाय गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपनी फिजिक्स की नोटबुक्स पे करना है। होपफुली इट इज क्लियर। अल्लाह हाफिज़।